आपने कभी ना कभी फॉरेनर्स को जरूर देखा होगा। क्या आपको बताया कि इसके पीछे एक इंडियन मैन श्रील प्रभुपाद का बहुत बड़ा हाथ है। इनके गुरु ने इनको एक काम दिया था जो इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक किया था, और वो काम था भगवत गीता को दुनिया तक पहुंचाना। और इन्होंने सबसे पहले यूएस में जाकर कुछ ऐसे लोगों को चुना जो सड़कों पर रहते थे। ऐसे लोगों को हिपीज कहते हैं। ये सड़कों पर वही नशा करते हैं, महीनों तक नहाते नहीं है और नशे को ही अपनी जिंदगी मानते हैं। तो इन्होंने इन लोगों से जाकर सिर्फ ये कहा कि तुम एक बार हरि नाम का नशा करके देखो, भगवत गीता का नशा करके देखो। लोगों ने मजाक में सही लेकिन भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को धार्मिक बना दिया जो महीनों तक नहाते नहीं थे। अब जब इन लोगों की लाइफ चेंज हुई तो इन्होंने सभी देशों में जाकर भगवत गीता का महत्व सबको बताया।